हेलो गाइस, तो ट्रांसफॉर्मर्स की लेटेस्ट मूवी थिएटर में आ चुकी है और जो लोग इस मूवी के हार्डकोर फैन नहीं हैं मेरी तरह, तो डोंट टेक टेंशन, हम किस लिए बैठे हैं। जैसा कि हमने हर ट्रांसफॉर्मर्स मूवी के पार्ट में देखा है कि ऑटोबॉट ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कभी कार बन जाते हैं, कभी रोबोट्स बन जाते हैं, उसका जो साउंड है वो तो गजब ही है गाइस, एकदम गजब। ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम का बैकग्राउंड म्यूजिक खतरनाक है, जब बड़े पर्दे पर देखोगे तो तुम भी कहोगे क्या बात है। मूवी के VFX और एक्शन सीन्स की बात करें तो ऑसम, मतलब यार मजा ही आ जाएगा। इस मूवी में आपको लड़ाई और कुटाई दोनों देखने को मिलेगी, और जब बड़े बड़े क्रिएचर्स को बड़े पर्दे पर लड़ते हुए देखोगे तो तुम भी कहोगे क्या एक्शन है। अब अच्छी अच्छी बातें तो बहुत हो गई, अब नेगेटिव बता दूं। कॉन्सेप्ट वही है जो हर ट्रांसफॉर्मर्स मूवी में देखा है आपने, हीरो कैरेक्टर्स एंड विलन कैरेक्टर्स वही सेम चीजें कर रहे हैं जो हर मूवी में करते हैं, कुछ नया नहीं है। हमेशा की तरह विलन कैरेक्टर्स को पोर्टल खोलकर दुनिया तबाह करनी है और हीरो डिपार्टमेंट वालों को उन्हें रोकना है, वही सेम चीज हर पार्ट में, फुल पकाओ। और पता नहीं इस फिल्म के कैरेक्टर्स को बीच बीच में मिर्गी के दौरे आ जाते हैं, अचानक से ही कोई मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल डायलॉग्स मारने होते हैं यार इन्हें, मतलब वही फ्री का ज्ञान जो दुनिया दुनिया को देती है पर जरूरत किसी को नहीं होती। मूवी में इमोशनल सीन्स तो बहुत है पर ये सीन्स आपको फुल बोर करेंगे, और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि इंसानों की जरूरत क्या है इस मूवी में, मतलब यार इतने बड़े बड़े क्रिएचर्स लड़ रहे हैं और उसमें इंसानों को घुसेड़ दिया है, बिल्कुल हाथी और चींटी वाली बातचीत लगती है। जैसा मैंने बताया कि पूरी मूवी में जबरदस्ती के इमोशनल सीन्स हैं जिन्हें देखकर आपको घंटा रखनी पड़ेगा, पर जिन्हें एक्शन CGI VFX और मारकुटाई पसंद है उनके लिए मूवी मस्ट वॉच है। तो गाइस अब वेट क्या कर रहे हो, मूवी देखने जाओ, गर्लफ्रेंड घुमाओ, फैमिली के साथ एंजॉय करो यार, छोटी सी जिंदगी है, मजे काटो। मैं भी चलता हूँ दूसरी वीडियो बनाने, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो यार। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।